ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलते हैं हम आचार्य पी खुराना जी के पास, जो अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा। धन्यवाद सुनैना जी, नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना, हमारे विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर मूलांक यानी डेट ऑफ बर्थ में एक खास उसका अंक है, उस अंक का खास एक ग्रह है, एक रंग है, एक दिशा है और उसका मंत्र है, जो बनाता है आपको शक्तिशाली, भाग्यशाली, विद्वान, धैर्यवान, भाग्यवान। उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका दिन, आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, सावधानी क्या है, उपाय क्या है जो बनाएगा आपको तकदीर का बादशाह एवं उलझनों से मिलेगी राहत। इसके साथ हम आपके ईमेल्स का जवाब देंगे। ज्ञान सूत्र में बताएंगे कि एक बार बार दुर्घटना या चोट आपको लगती है तो कारण क्या है। प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे आज का मैजिक नंबर और मंत्र क्या है जो आपके इस समय चल रहे संकट का समाधान करेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मुलाक एक की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 1, 10, 19, 28 हुआ है तो आप सूर्य ग्रह से प्रभावित है, प्रतिभा दिखाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। प्रतिभा, आप कलाकार हैं, आप एक्टर हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, आप कहीं ना कहीं आपको आर्टिस्ट आर्ट का शौक है, तो आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। इसके साथ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 6। आज का उपाय क्या कहता है, लाल गुलाब की माला इष्ट देव को चढ़ाएं और सावधानी क्या है, बिना किसी कारण के रोग नहीं जमाना। मुलाक दो की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आप चंद्र ग्रह से प्रभावित हैं, अचानक कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको शोहरत एवं पहचान की प्राप्ति होगी। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3। आज का उपाय क्या कहता है, रुद्राक्ष की माला से ओम रुद्राय नमः मंत्र की एक माला जाप करें, सावधानी क्या है, अपने मन को स्वच्छ रखें, बुरे विचारों को त्याग दीजिए। मुलाक 3 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आप गुरु ग्रह से प्रभावित है, व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, किसी प्रकार का हो, चाहे आप लोहे का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, खान पान का काम करते हैं, उसको बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद खरीदना या बेचना चाहे तो समय अनुकूल है। लकी कलर व्हाइट एंड लकी नंबर 9। आज का उपाय क्या कहता है, कागज पर विजय श्री भव लिखकर अपने पास रखें, सावधानी क्या है, लापरवाही त्यागी, ओवर कॉन्फिडेंस से प्रेस रखिए। मुलाक 4 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 4, 13, 22, 31 को हुआ है तो आप राहु ग्रह से प्रभावित है, भ्रम पैदा होता है कभी कभी कि प्रभु नहीं है, दुनिया ऐसे ही चल रही है, लेकिन आज आपका अपना मन व्याकुलता से बाहर आएगा और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, नौकरी संबंधी समस्याएं दूर होगी। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 11। आज का उपाय क्या कहता है, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, सावधानी क्या है, क्रोध नहीं करना लेकिन आपके मन के विवेक से काम लेना है। मुलाक 5 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ तो आप बुध ग्रह से प्रभावित है, आपके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, आज आपकी अपनी कार्यक्षमता बढ़ेगी। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 4। और आज का उपाय क्या कहता है, मां साबुत और तेल लगाकर पीपल के नीचे रख दीजिएगा, सावधानी क्या है, आज आपने किसी से कोई वादा नहीं करना क्योंकि आज जो वादा करेंगे आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और बाद में आपको कलंक की सजा पड़ सकता है। बात करते हैं ईमेल की, उसमें प्रश्न करता है मनीषा, लिखती है दिल्ली से, 2 दिसंबर 1993। ये कहते हैं जी मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं,
बुरे बुरे जो इनको सपने आते उसका पहले कारण जानेंगे। पहली बात मनीषा जी, अपने नाम के स्पेलिंग में परिवर्तन कीजिए। इसमें क्या है, एन को डबल कर दीजिए, एम ए डबल एन आई एस एच ए, एन कारक बुध ग्रह का है। अगर तीन बार आपके, दो बार आपके अगर एन आ जाता है तो आपके बुध ग्रह की कृपा होगी। बुध ग्रह क्या कहता है, मैं उड़ना चाहती हूँ। बुध ग्रह कहता है कि मैं सपने पूर्ण करना चाहती हूँ, बुरे बुरे सपने आपके बंद हो जाएंगे। क्योंकि बुध ग्रह जो है वो आपके हॉरोस्कोप में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो निष्ठ है। ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और नहा सोने से पहले आपने क्या करना है, अपने पाम गर्म पानी से धो लेने हैं और कोशिश कीजिए कि आप एक तांबे का छल्ला रिंग फिंगर में दान कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मनीषा की तरह आप भी किसी उलझन में उलझे हैं या आप अगर अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश के ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, हमें आपका इंतजार रहेगा। बात करते हैं मुलाक्षे की। जिनका जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आज आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी, क्योंकि अंक 6 शुक्र ग्रह का कारक है, मन के विचार का है, वातावरण का है। संस्थान सुख की चाहत पूर्ण होगी। लकी कलर सैफ्रन, लकी नंबर 8। और आज का उपाय क्या कहता है, घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। सावधानी क्या है, आज आप किसी लालच में आ सकते हैं, सतर्क रहिएगा। मुलाक साथ की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है तो आप केतु ग्रह से प्रभावित हैं। वैवाहिक जीवन में जो उथल पुथल थी उसमें आपकी स्थिरता आएगी। आज नौकरी बदलने का मन कर सकता है क्योंकि आज का दिन परिवर्तन के साथ संबंध रखता है। परिवर्तन कर ले तो शुभ हो सकता है। लकी कलर इज पर्पल, लकी नंबर 26। आज का उपाय, धर्म स्थान की मिट्टी से तिलक माथे पर लगाएं। सावधानी क्या है, वाणी एवं दिमाग का संतुलन बना के रखना है। मुलाक 8 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है तो परिवार में सुख शांति संतोष बना रहेगा। लेकिन एस नामक व्यक्ति आज आपके मन में एक चमत्कार करेगा, जीवन में चमत्कार करेगा। वो एस नाम का व्यक्ति पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, कर्मचारी भी हो सकता है, महबूबा भी हो सकती है। लकी कलर्स ग्रीन, लकी नंबर 2। आज का उपाय कहता है, जरूरतमंद व्यक्तियों को पानी का दान करें। और सावधानी क्या है, बड़ों की इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करना। मुलाक 9 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है तो अब मंगल ग्रह से प्रभावित है, नए लोगों से मुलाकात होगी जो जीवन में आपके परिवर्तन लाएंगे, कोई मूल्यवान उपहार मिलने के योग बनते हैं। लकी कलर्स मैरो, लकी नंबर 7। आज का उपाय क्या कहता है, केले के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं। सावधानी क्या है, झूठ का साथ आप नहीं देंगे, आप कलंकित हो सकते हैं। ये था आपका आज का भविष्य फल आपके मूलांक के अनुसार। अब बात करते हैं ईमेल की। ईमेल है, काव्या पूछती है, इनका 14th of February 1993 हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 16th April 1992। ये कहते हैं कि मेरी शादी को 3 साल हो गए मगर अभी तक संतान के सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा काव्या, एक तो नाम के स्पेलिंग परिवर्तन कीजिए, KAVYYA लिखिए, वाई सूर्य का है, पुत्र का, संतान का है। आपका डेट ऑफ बर्थ 14th है, 1 और 4 सूर्य और राहु, टोटल अंक 5 बनता है। 5 अंक आपको मिस कैरेज देगा और 4 अंक जो साथ में जुड़ा है वो आपको कहीं ना कहीं संतान से रुकावट पैदा करेगा। और इसके साथ आपकी राशि है कुंभ, उसका स्वामी 8, जिसका स्वामी शनि है, को कुल मिलाकर आपकी जो स्थिति है वो आपकी अपनी कुंडली आपके डेट ऑफ बर्थ में ठीक नहीं है। लेकिन आपके जो पति हैं उनका 6th अप्रैल है, उसमें क्या है,
सिक्स्थ शुक्र का है और उनका नौ का अंक जो उनका ईरी राशि बनती है वो मंगल का कारक है। उनकी अपनी कुंडली बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपस में कंपैटिबिलिटी एक अच्छी संतान के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम कुंडली की बात भी करते हैं तो आपके दोनों के सतारा गुण मिलते हैं, भुकट दोष है। भुकट दोष का उपाय कीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र का जाप कीजिए, मंत्र है ओम गु गुरुवे नमः। ये आप करेंगे, गुरु का रथ संतान का है। ओम स सूर्य नमः आपके पति करेंगे। और आज के बाद आपने करना क्या है कि नहाते समय आपने गाय के दूध का एक चम्मच नहाने के पानी में आपने डाल देना है और अपने घर में भगवान कृष्ण का बाल रूप अपने बेडरूम में लगा दीजिए। एक बार करके देखिए, हमें स्वीकार तो करके देखिए। और ऐसा ही अगर आपके और ऐसा ही आपके मन में कोई प्रश्न है, टीम स्क्रीन पर फ्लैश किए गए ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें आपका इंतजार रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अब बात करते ज्ञान सूत्र की। बार बार दुर्घटना या चोट आती है तो क्या है उसका कारण सुन लीजिए। एक छोटा सा वास्तु दोष आपके घर में समस्या खड़ी कर सकता है। कारण क्या है चोट और दुर्घटना का? घर में अगर जूर से ज्यादा सीढ़ियां बनी रहती हैं जो इस्तेमाल नहीं करते या सीढ़ियों के नीचे कूड़ा करकट रखते हैं तो बार बार अपने घर में आप गिर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो भी गिर जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या करें? लकड़ी की सीढ़ी बनाकर जल प्रवाह करें जिसका साइज 9 इंच x 9 इंच हो। यह क्रिया शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार करें। घर की सीढ़ियों के नीचे साफ सफाई रखें। सावधानी क्या है? मंगलवार शनिवार वाहन का प्रयोग सावधानी से करना है। उस दिन अपना वाहन किसी से ना ले, ना किसी को दीजिएगा। इसके साथ अंगहीन व्यक्तियों की मदद बार बार जब मौका मिले करते रहिए, आपकी दुर्घटना और चोट का भय नहीं रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये था आपका ज्ञान सूत्र। बात करते मैजिक नंबर की। लिखो, इंतजार था ना मेरा प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप कागज कलम संभाल के रखिएगा। 11 1 4 7 7 सफेद कागज पर लाल पेन के साथ लिखना है। नॉर्थ ईस्ट सेक्शन होगी, उसके बाद मंत्र का जाप करें 11 बार ओम हरि सिद्धे नमः। कागज को अपने पास रखें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी एवं चल रहे संकट से आपको समाधान प्राप्त होगा। गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे जी एक नई जानकारी एक नए विषय के साथ इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य पी खुराना को दीजिए इजाजत। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। चलिए अब चलते हैं सुदाना जी के पास। हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो मंथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर से होगी कल।